आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। पवन कल्याण ने रविवार से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की। इस दौरान वह उपवास करेंगे। पवन ने कहा, उन्हें अफसोस है कि वह मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाए। उन्हें दुख हो रहा है, इसके लिए वह प्रायश्चित करेंगे। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पवित्र माने जाने वाले तिरुमाला लड्डू प्रसादम को जगन रेड्डी की सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण अपवित्र कर दिया गया है। जिस पल मुझे पता चला कि लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी है, मैं हैरान रह गया। खुद को दोषी महसूस कर रहा हूँ।